और फोटो खत्म होने के बाद साथ में बोलता है कि तुम लोग, अरे यार ये धड़धड़ धड़धड़, ये एफबीआई के रेड पड़ जाए इधर, सॉरी सॉरी। हेलो गाइस, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और ये वाली वीडियो भी लेट ही आ रही है हमेशा की तरह। भाई मैं कितने भी कोशिश कर लूँ वीडियो जल्दी डालने के लिए, लेकिन वीडियो लेट ही हो जाती है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए। और गाइस, आप लोग में से किसी एक ने पूछा था कि भाई इसके अलावा कोई दूसरी एनिमे एक्सप्लेन करो, तो भाई मेरा भी मन करता है दूसरी एनिमे एक्सप्लेन करने का, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि जो एनिमे मैं एक्सप्लेन करूँ वो आप लोगों को पसंद ना आए। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोई एनिमे सजेस्ट करो जो एनिमे मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, और जो एनिमे मुझे अच्छी लगेगी तो मैं वो एनिमे एक्सप्लेन करूँगा ज़रूर। और गाइस मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, तो हम क्यू एन ए वीडियो कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं क्यू एन ए वीडियो करूँ, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, तो हम अगली वीडियो क्यू एन ए के लेके आएंगे, या फिर इसका नेक्स्ट एपिसोड, या फिर आप लोग में से किसी एक ने जो एनिमे सजेस्ट की रहेगी उसका कोई एपिसोड लेके आएंगे। और गाइस आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही रहेगी, तो उसके लिए भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और ये बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा नॉइज़ क्यों हो रहा है आज, मुझे इस बात का भी कोई बिल्कुल भी पता नहीं है, तो बैकग्राउंड के नॉइज़ को भी आप लोग इग्नोर कर सकते हो। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इंट्रो लगाते हैं और शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट होते हैं हम देखते हैं कि होम रूम टीचर बोलती है इन सबको कि आज उन सबका लास्ट डे है, तो वो लोग जहाँ जाए वहाँ पे जाके घूम सकते हैं। तो ये चीज़ सुनकर सारे स्टूडेंट अपने ग्रुप के पास चले जाते हैं, और कोमी के ग्रुप वाले कोमी से आके मिलते हैं, और ये तीनों डिसाइड करते हैं घूमने जाने का। तो काटो बताती कि अगर उन दोनों को बुरा ना लगे तो उसने आज पूरे दिन के लिए एक शेड्यूल बना के रखा है, क्या वो दोनों इस चीज़ को फॉलो करना चाहेंगे? तो ये दोनों मान जाते हैं। तो सासकी पूछती है उससे कि सबसे पहले वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो काटो बताती कि वो लोग सबसे पहले यूरोपिया जा रहे हैं। और गाइस मेरे नाम गलत लिया रहेगा तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और फिर ट्रेन से जाते वक्त सासकी इससे पूछती है कि वो खाली टाइम पे क्या करती है, तो काटो बताती है कि वो खाली टाइम पे शोगे खेलती है जो कि उसके ग्रैंडफादर ने। और काटो सासकी से पूछती है कि वो खाली टाइम पे क्या करती है, तो सासकी उसे झूठ बोल देती है कि वो खाली टाइम पे कुछ नहीं करती, वो घर पे ऐसे ही पड़े रहती है। और वो दोनों कोमी से यही सेम चीज़ पूछते हैं, तो कोमी भी बोल देती है कि वो भी कुछ नहीं करती, लेकिन इन दोनों को बिलीव नहीं होता कि कोमी तो क्लास की ब्यूटी है और कोमी कुछ नहीं करती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर यूरोपिया पहुंचने के बाद सासकी उससे पूछते कि क्या उसके पास यहाँ के टिकट है, और सरप्राइजली यहाँ पर हम देखते हैं कि काटो के पास एक्स्ट्रा पासेस रहते हैं इस चीज़ के लिए, जो कि उसने पहले से खरीद के रखे हैं। और यहाँ पर ये तीनों बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, और मज़े करने के बाद सासकी उससे पूछती कि वो लोग अगली जगह कहाँ पर जा रहे हैं, तो काटो बताती है कि वो लोग अगली जगह पर जा रहे हैं जो कि है वो है टाकोयाकी। और गाइस नाम गलत लिया है तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और इतना बोलकर वो एकदम फटाफट चलने लगती, तो सासकी उससे पूछती कि वो इतना जल्दी जल्दी क्यों चल रही है, तो काटू से बताती कि खाली उन सबके पास 40 सेकंड है वरना ट्रेन निकल जाएगी, और ये तीनों भागते हुए वहाँ पे पहुँचते। और फिर अगली जगह पे पहुँचने के बाद हम देखते कि ये तीनों यहाँ पे भी मज़े करते हैं, और हम देखते कि ये तीनों जू में आए रहते या फिर बोल सकते कहीं पर गए रहते जहाँ पर बहुत सारे हिरन रहते इनके आसपास। और यहाँ पर ये दोनों एक हिरन को एक बिस्किट खिला रहे रहते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोमी भी एक हिरन को एक बिस्किट खिलाती है, और कोमी को उस हिरन को बिस्किट खिलाता हुआ देख ये दोनों कोमी के क्यूटनेस में घुस जाते हैं, और कोमी को एकदम ध्यान से घूरने लगते हैं। और इसी चक्कर में इन सबकी ट्रेन भी मिस होने वाली रहती है, लेकिन इन सबको पता चल जाता है और वो लोग दौड़ते हुए ट्रेन में आके बैठते हैं, और कोमी एक खाली सीट देख कर वहाँ पर बैठ जाती है, जहाँ पर ये दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन हो जाती है कि काटू ने पूरी प्लानिंग की आज के दिन की, और सासकी ने उसकी बिल्कुल भी मदद, और सासकी को इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि इसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उसने उससे पूछा ही नहीं कि उससे कौन सी प्लानिंग करनी है कौन सी नहीं, और उसने डायरेक्ट ही पूरा शेड्यूल अपने आप से बना लिया, तो इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं। और यहाँ पर काटू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सासकी उसके बारे में ऐसा सोच रही है या फिर वो ऐसा कुछ चीज़ सोच रही है। और कोमी को इस बात का पता लग जाता है, तो कोमी उन सबको आज के पूरे दिन की फ़ोटोज़ दिखाती है, और उन सबसे पूछती है कि आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था ना, हम तीनों साथ में घूम रहे थे। तो ये चीज़ देखकर दोनों हंसने लग जाते हैं, और कोमी से बोलते हैं कि हाँ इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, और यहाँ पे इन दोनों का झगड़ा सॉल्व हो जाता है।
और फिर वापस से क्योटो पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि ये तीनों एक और जगह पे पहुंचते हैं जहां पर कोमी ने एक और नया ड्रेस पहना रहता है। और काटो ये चीज़ देखकर खुशी के मारे रो रही रहती है कि कोमी कितनी ज़्यादा अच्छी लग, और कोमी का ब्रांड न्यू नया लुक देखकर वहां पे सारे लोग जमा हो जाते हैं, कोमी की फ़ोटो खींच रखते हैं। तभी वहां पे एक ग्रुप आ जाता है जो कि एक्टिंग ग्रुप रहता है और वो लोग विलन का रोल प्ले कर रहे रहते हैं वहां पर। और कोमी को देखकर वहां पे ये लोग एक्टिंग शुरू कर देते हैं और काटो को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा रहता है कि वहां पर इतने सारे लोग जमा हो गए और यहां पर एक्टिंग भी शुरू हो चुकी है। और इस टाइम तक सासुकी इनके पास नहीं रहती है और तभी हम देखते हैं कि सासुकी कहीं से आती है और वो देखती है कि वहाँ पर इतने सारे लोग क्यों जमा है। और तभी वो उसके बीच में देखती है कि कोमी है और उसके आसपास 5-6 गुंडे लोग घूम रहे हैं और वो देखती है काटो को जो कि खड़ी हुई रो रही रहती है अभी तक। और ये सब चीज़ देखकर सासुकी को टेंशन आने लग जाता है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बरेस फील हो रहा रहता है कि वो उन सबके सामने ऐसे कैसे जाए। तभी वो देखती है एक मास्क को और वो उस मास्क को पहन के उस भीड़ के बीच में चली जाती है और वहाँ पर वो देती है योयो के साथ 5-6 नया नया। और ये सब पोज देखने के बाद वहाँ पे जो विलन लोग रहते हैं वो सब भाग जाते हैं ये सब चीज़ देखकर कि अभी यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी काटो आती है सासुकी से पूछने के लिए लेकिन सासुकी वहाँ से भाग जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद सासुकी उनके पास आती है और कोमी और काटो के दिमाग में एक ही बात चल रही कि अभी वहाँ पे क्या चल रहा था। और सासुकी के आने के बाद तो काटो उससे पूछती है इसके बारे में लेकिन सासुकी ऐसा एक्टिंग करती है कि उसको ये सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और होटल के रूम तक जाते हुए उन दोनों के दिमाग में यही बात चल रहा था कि सासुकी उनसे ये बात क्यों छुपा रही है। और होटल के रूम में आने के बाद भी काटो उससे पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी उस योयो के साथ, लेकिन सासुकी बोलती है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रही है। तो काटो फाइनली हार मान जाती है और उसे समझाती है अच्छी तरीके से कि उसे छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे पता है ऐसी फीलिंग कैसी होती है। और यहाँ पे कौन सी फीलिंग की बात हो रही है मैं अभी बता देता हूँ। काटो उसे बोलती है कि उसे पता है लोगों को पसंद नहीं है लड़कियाँ अगर लड़कों का गेम खेले, तो सारे लोग उन लड़कियों को ही चिढ़ाने लग जाते हैं कि लड़कियाँ लड़कों का गेम खेले ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है या फिर ये उन पर सूट नहीं करता। और काटो सासुकी को समझाते हुए अपनी स्टोरी भी सुनाती है कि जब वो छोटी थी तब वो अपने ग्रैंडफादर को देखती थी सोगी खेलते हुए, तो उसका भी बहुत ज़्यादा मन करता था और आज फाइनली वो अपने दादाजी से सीख गई है और उसे भी आता है अभी थोड़ा बहुत सोगी खेलना। लेकिन इतना समझाने के बाद भी सासुकी नहीं मानती तो फाइनली काटो को गुस्सा आ जाता है और वो उसका बैग छीनने लग जाती है और पूछती है कि योयो कहाँ पे दिखाओ मुझे। और उन दोनों को झगड़ते हुए देखकर कोमी कुछ तो लिखती है और सासुकी का ध्यान जाता है उस पर और कोमी ने लिखा रहता है कि उसने जो विलेज में किया उसके लिए थैंक यू, उसे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो एक्टिंग के बीच में क्यों आ गई। और इतना पढ़ने के बाद सासुकी पूछती है उन दोनों से कि वहाँ पे वो एक्टिंग चल रहा था, तो काटो बोलती है हाँ, तो सासुकी बोलती है रुको मैं एक सेकेंड में आई। और सासुकी वहाँ से उठ के बाथरूम में चली जाती है और उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्बरेंस फील होता है कि उसने वहाँ पर ऐसी हरकतें कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। और यहाँ पे हम देखते हैं सासुकी का फ्लैशबैक जहाँ पर वो योयो के साथ जब अपने बचपन में खेल रही थी तो सारे लड़कों को उसने जब दिखाया तो सारे लड़के लोग उसे चिढ़ा के चले गए कि लड़कियाँ योयो के साथ नहीं खेल सकती, तो इसीलिए सासुकी हमेशा छुपाती रहती है कि योयो के साथ वो नहीं खेलती लेकिन वो एक्चुअल में खेलती है। और उसे कोमी और काटो की मोटिवेशनल बातें याद आती है कि उसे छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे पता है ऐसी फीलिंग कैसी होती है। और ये सब मोटिवेशन लेने के बाद तो हम देखते हैं सासुकी का वही पुराना वाला लुक जो उसने मास्क के साथ वहाँ पे एंट्री ली थी। और बाय द वे उसे ये वाला मास्क ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा था, बस 4,000 का। और फिर शिनचैन को होटल रूम में आता है वापस से और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीनों सोने के लिए प्लानिंग बना चुके रहते हैं। और जैसे ही लाइट बंद होता है और कोमी सोने जाने वाली रहती है तभी ये दोनों कोमी के पास आते हैं और बोलते हैं कि चलो शुरू करते हैं लव टॉक। और ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ पर काटो डायरेक्टली सीरियसली पूछ लेती है कि सासुकी बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या क्रश है या नहीं, तो सासुकी सिंपली मना कर देती है। और यही सेम सवाल वो काटो से पूछती है तो काटो थोड़ा ट्रिक करते हुए बोलती है कि नहीं उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, तो सासुकी समझ जाती है और बोलती है कि चलो मुझे पता है तुम्हारा कोई ना कोई बॉयफ्रेंड या फिर क्रश तो है, तो काटो बोलती है कि हाँ उसे एक जन पे क्रश है और उसका नाम कटाई है। और ये चीज़ सुनकर ये दोनों थोड़ा शॉक हो जाते हैं और सासुकी उससे पूछती है कि तुम्हें उससे डर नहीं लगता, तो काटो बोलती है नहीं, तो सासुकी बोलती है कि अच्छा बताओ तुम्हें उससे कौन सी बात अच्छी लगती है, तो काटो बोलती है कि जब वो घूरते रहता है तब तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
और भी कार्टून उसके बारे में बता रही रहती है, लेकिन वो बताते बताते थोड़ा शर्माने लग जाती है और वो कोमी को पूछती है कि कोमी तुम बताओ तुम किसी को पसंद करती हो या नहीं। और कार्टून बोलती है सासकी से, उसने उससे पूछ तो लिया लेकिन ऑब्वियसली कादर में ही रहेगा क्योंकि वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो सासकी बोलती है कि हाँ सही है। और तभी कोमी एक ऐसा सवाल पूछती है कि जो कि मैं देख कर बहुत ज़्यादा हंसा था, वो उन दोनों से पूछते कि लाइक का मतलब क्या होता है। और ये चीज़ देखकर ये दोनों एकदम शॉक में चले जाते हैं और तादनु तो टेलीपैथी से बोलते हैं कि तादनु तुम्हारा कट चुका है, कोमी तुम्हें पसंद करती है लेकिन कोमी को बिल्कुल भी पता नहीं। और तादनु को नींद में ये बात सुनाई भी देती है। तो कार्टून से अच्छी तरीके से समझाती है कि लाइक का मतलब क्या होता है और अच्छी तरीके से समझने के बाद कोमी थोड़ा शर्मा जाती है। और ये चीज़ देखकर ये दोनों कोमी को फोर्स करने लगती है कि अच्छा कोमी बताओ कौन है वो लड़का, उसके नाम का पहला लेटर तो बताओ, उसका नाम तो बताओ। और इन दोनों को इतना फोर्स करते हुए देखकर कोमी उसका पहला लेटर दिखा देती है जो कि रहता है एच। और ये चीज़ देखकर ये दोनों एकदम शांत हो जाते हैं कि कोमी जिसको पसंद करती है उसका नाम एच से शुरू होता है। तो फिर रेलवे स्टेशन पर आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीनों भागते हुए जा रहे थे ट्रेन में और तभी नाका की शॉट गिर जाती है। तो नाका उसे उठाने के लिए जैसे ही जा रही होती है तो यमा उसे घसीटते हुए ट्रेन में बैठा देती है और ट्रेन का दरवाजा बंद हो जाता है। और नाका का ऑब्वियसली मूड खराब होता है क्योंकि उसका शॉट छूट गया और यमा को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोमी बात कर रही होती है कि कोमी कितनी अच्छी लड़की है और कितनी शांत और स्वीट है। और उन लोग को लगा था कि कोमी को समझने में उन लोग को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग एकदम गलत थे इस बारे में। तभी कार्टून नोटिस करते हैं कि सासकी के दिमाग में बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लान आ रहा रहता है। और ये दोनों जाते हैं तादनु के पास और तादनु को बोलते हैं कि कोमी को तुम्हारी मदद चाहिए। तो तादनु उठ के वहाँ से जाने लग जाता है और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर इन दोनों का ये प्लान रहता है। और कार्टू कुछ तो सोच रहती है तभी वो देखती है कि वो काटाई के बाजू में बैठी है और वो सासे की तरफ देखती है। तो सासे की बोलती है टेलीपैथी से कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी। और सासकी ने कार्टू को भी यहाँ पे ट्रिक कर लिया। और फिर जब तादनु कोमी के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि कोमी तो सो रही है और वो वापस से पीछे मुड़ के देखता है तो सासकी के अंदर से आवाज़ आ रही रहती है कि चलो बैठो वहाँ पे। और तादनु सोचता है कि अब वो इतना दूर तक आ गया तो बैठ ही जाता है वहाँ पे। और तादन में बैठता है जैसे ही तो कोमी को देखने लग जाता है और सोचता है कि उसने कोमी को आज से पहले सोते हुए नहीं देखा। तभी तादन को रियलाइज़ होता है कि किसी को सोते हुए देखना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। और तादन अपना ध्यान जैसे हटाता है तभी कोमी अपना सिर तादन के कंधे पर रख देती है। जब कोमी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि तादन उसके बाजू में बैठा हुआ है और वो अपना हाथ उसके कंधे पर रखती है तो उसका कंधा थोड़ा सा गर्म रहता है। और कोमी एकदम शर्मा जाती है और उसे पूछती है कि वो कितनी देर से सोई थी। तो तादनु बोलता है ज़्यादा टाइम नहीं, बस 2 से 3 मिनट ही हुआ। और कोमी इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती है। तो तादनु टॉपिक को चेंज कर देता है, बोलता है कि उसने स्कूल ट्रिप पे मज़ा किया कि नहीं। कोमी लिख के बताती है कि हाँ उसने बहुत सारे मज़े किए और उससे बोलती है कि क्या वो फ़ोटोज़ देखना पसंद करेगा। तो तादनु बोलता है हाँ। और यहाँ पर कोमी तादनु को फ़ोटोज़ दिखाती है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ रहते हैं और मुझे जो जो अच्छे लगे थे आप लोग वो सारे फ़ोटोज़ देख। और फिर फोटो खत्म होने के बाद तादनु बोलता है कि तुम बहुत सारी जगह पे गए थी घूमने के लिए। और यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर नाजमी आ जाती है और ये चीज़ देखकर तादनु को भी थोड़ा शौक होते हैं कि ये किधर से आए। और वहाँ पर एक सीट खाली होता है तो नाजमी सांप की तरह वहाँ पर बैठने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ पर फंस जाती है। तो तादनु उसे संभालते हुए बोलता है कि रुको मैं आ रहा हूँ। और तभी कोमी को कुछ तो नोटिस होता है और कोमी तादनु से पूछते हैं कि ट्रिप के पहले दिन मैंने देखा था बॉयज़ के बाथरूम में तुम सारे बॉयज़ की फ़ोटोज ले रहे थे, तुम कर क्या रहे थे एक्चुअली। और ये चीज़ देख कर तादनु को रियलाइज़ होता है कि वो लोग क्या कर रहे थे। और नाजमी यहाँ पर झगड़ा करने लगते हैं कि उसे फ़ोटोज़ देखते हैं चलो दिखाओ। और यहाँ पर तादनु बोलता है कि नहीं वो नहीं दिखाने वाला। और यहाँ पर ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और गाइस बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा रहेगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और एनिमे सजेस्ट करना मत भूलना। और अगर आप लोग चाहते हो तो क्यूएनए के लिए क्वेश्चन भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हो पूछ सकते हो। सॉरी। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।